चुनाव को अंतिम पायदान की ओर बढ़ने से पहले ही भाजपा प्रत्याशी ने किया अपना टेम्पू हाई। जनपद के विधानसभा भोजपुर के जहानगंज में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ कर मांगा जनता से समर्थन। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अपने अंतिम पायदान की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के खेमों में खलबली बढ़ती जा रही है। भाजपा प्रत्याशी सांसद मुकेश राजपूत के जहानगंज में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ बड़ी ही विधि विधान व पूजा पाठ के साथ किया गया, जिसमें भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर विपक्ष पर हमलावर होते हुए बोले। 2017 के विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 58,000 वोट मिले थे, 2019 के लोकसभा में जब सपा और बसपा का गठबंधन था तो मनोज अग्रवाल को 71,000 वोट मिले थे, और पूरी ताकत लगाने के बाद 2022 में सारे साम दाम दंड भेद समाजवादी पार्टी ने अजमाए थे, तब भी उन्हें 72,000 वोट मिले थे। ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है। मेरा निश्चित आकलन है दुनिया की कोई ताकत उन्हें 50,000 क्रॉस नहीं करने देगी, आप नोट कर लेना। और 50,000 में जब वो समटेंगे तो जो शेष मतदान होगा, जैसा हम सब प्रयास कर रहे हैं कि 80% मतदान हो, जब 80% मतदान होगा तो सारा का सारा वोट किसका होगा? बीजेपी का। किसका होगा? हमारा होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 1,40,000 वोट मिले। और आप यकीन मानिए, मैंने जो गुड़ा बाग निकाला है अभी तक तो नहीं फेल हुआ, मैं समझता हूँ परमात्मा आगे भी इसमें सफलता देगा। 1,40,000 वोट कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, आप सब सिर्फ तय कर लीजिए। ये समाजवादी पार्टी के नेता अपने नंबर बढ़ाने के लिए मैनपुरी जाएंगे, आप कोई नहीं काम करेगा। और मैंने आपको पहले बताया 72,000 सपा बसपा का गठबंधन था, वोट मिला था, उसमें मनोज अग्रवाल की खुद की इमेज भी थी। और आज मनोज अग्रवाल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो 1,40,000 होगा कि नहीं होगा? आपको बताते चले कि सांसद मुकेश राजपूत दो बार प्रचंड बहुमत से जीतकर दिल्ली पहुंचे और फर्रुखाबाद की आवाज को दिल्ली में उठाया। आपको ये भी बताते चले कि भले ही भाजपा की छवि मुस्लिम विरोधी हो, परंतु जिले में सांसद मुकेश राजपूत हर दिल अजीज हैं और हर वर्ग हर समाज में अच्छी पैठ के साथ साथ बीते 10 वर्षों से अच्छी छवि बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि सांसद मुकेश राजपूत ने बीते दोनों कार्यकाल में मुस्लिम समाज के हक की आवाज को बुलंद किया है और वक्फ भूमियों पर हो रहे कब्जों के मामलों में अग्रणी रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, जब तीव्र गति से बजने वाले लाउडस्पीकरों को लेकर प्रतिबंध लगा तब सांसद मुकेश राजपूत ने मुस्लिम समाज की काफी मदद की, जिसके चलते सांसद मुकेश राजपूत मुस्लिम के दिलों में अपनी जगह बनाने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भाजपा के लिए नहीं परंतु सांसद मुकेश राजपूत के लिए मतदान कर इतिहास रचेगा। वहीं कुछ मुस्लिम समाज के लोग भाजपा और सपा के अतिरिक्त ऑप्शन खोज रहे थे तो वह कमी बसपा ने अपना प्रत्याशी उतार कर पूरी कर दी है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी इस गुमान में थी कि मुस्लिम समाज के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए सब सपा को मतदान करेंगे। तो देखा भी गया और शहर में चर्चा भी आम है कि मुस्लिम समाज अपना पैसा भी खर्च करे और कार्यकर्ता व समर्थक भी एकत्रित करे और वाहवाही किसी और को मिले, इसी को लेकर नाराज हैं। चर्चा ये भी है कि सपा के तो तेवर अभी से बदल गए हैं, यदि विजय हाथ लगी तो परिणाम क्या होगा? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मतदाता खामोश है, परंतु अंदर खाने में वह एक बार फिर सांसद मुकेश राजपूत को अपने सांसद के रूप में देख रहा है। चुनावी कार्यालय के शुभारंभ के दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने हमारे सहयोगी मोहम्मद मुई से वार्तालाप के दौरान बताया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है,
इसी को लेकर जनपद फर्रुखाबाद में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी के साथ साथ हमारे साथ में वर्तमान में जो सांसद हैं सांसद मुकेश राजपूत, जो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर कैसा क्या चुनाव चल रहा है आपका? चुनाव इस बार जो है माननीय मोदी जी ने जो नारा दिया है अब की बार 405, मुझे लगता है कि पूरे देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मुझे लगता है इस बार 400 सीटें पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आएंगी। उसमें फर्रुखाबाद जनपद की भी लोकसभा की सीट पिछली बार 2.5 लाख वोट से आई, इस बार मुझे लगता है कम से कम 5 लाख वोट से जीत के माननीय मोदी जी के खाते में जाएगी। और सर किन नए मुद्दों के साथ जनपद फर्रुखाबाद में इस बार आप चुनाव जीतने को? माननीय मोदी जी ने जो अभी तक कहा, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी कहा वो करके दिखाया, चाहे मोदी जी हो चाहे माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हो, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है जो कहता है वो करता है, जो कहा है सो किया है, जो आगे कहेंगे वो करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है, विकास का मुद्दा है, मुख्य रूप में मुद्दा है विकास, विकास किया है विकास करेंगे, लोगों के सामने समस्याओं का पैदा नहीं करेंगे, जन समस्याओं का समाधान करेंगे, गरीब कल्याण की योजनाओं को जीवन जमीन तक ले जाके जो उसके लाभार्थी सही माने उसके मायने जो लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ उसे मिलना चाहिए उन योजनाओं को तक लाभ पहुँचाएंगे। इसीलिए माननीय मोदी जी की गारंटी है कि हम सबका कल्याण करेंगे, सबका विकास, सबका कल्याण, सबका विश्वास, सबके प्रयास से काम करेंगे। विपक्ष आपको सर एक मुद्दे पर घेरती है, एक्सप्रेस वे की, गंगा एक्सप्रेस वे है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, बोलते हैं कि ये सांसद जी रहते हुए जिनपद फर्रुखाबाद को दूसरी जगह खींचा जा रहा है, इसके क्या सर कहना थोड़ा सा? देखिए जिनको इस चीज़ का जानकारी नहीं है, एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे जो है वो गंगा जी से कोई भी नदी हो, चाहे गंगा नदी हो चाहे काली नदी हो, कोई भी गंगा कोई एक्सप्रेस वे बनेगा तो उसे 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक्सप्रेस वे बनता है। तो 15-20 किलोमीटर की दूरी में गंगा एक्सप्रेस गंगा के किनारे जाएंगे तो उधर राम गंगा पड़ जाती है, और राम गंगा से फिर 20 किलोमीटर दूर पर ही ले जाना पड़ेगा, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर लेके जाना पड़ेगा, तो वहीं पर बन सकता था। उसका मैंने पूरा स्टडी किया है, पूरा देखा हुआ, लेकिन जो अनजान लोग नादान लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं। और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है जो हमारा 135 सी पर आके रुक जाता है उसको हम गंगा एक्सप्रेस वे में जोड़ देंगे, और गंगा एक्सप्रेस वे बुड़ जाता है तो चित्रकूट से चलने वाले गुप्त गंगा से लोग स्नान करेंगे, और भगवान की जो एक तरह से तपोस्थली है चित्रकूट में, वनवास के समय वनवासी राम ने वहाँ काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया, उस स्थान से लोग गुप्त गंगा से स्नान करेंगे और उससे आते हुए फर्रुखाबाद में गंगा और फिर जाके हरिद्वार में गंगा की हर की पौड़ी में भी स्नान करेंगे, या हम कह सकते हैं वहाँ से नैनीताल भी जा सकते हैं, देहरादून भी जा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेस वे मिल जाएगा, इससे यहाँ के किसानों की उनके उत्पादन भी पहुँच सकते हैं और पर्यटन के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का काफ़ी विकास हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ इससे सब चीज़ समस्याओं का समाधान बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन सर ये आप थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से जनता जनपद फर्रुखाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? फर्रुखाबाद की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से दो बार हमें प्यार दिया, तीसरी बार भी आप हम पर विश्वास लोग कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप जो विश्वास कर रहे हैं उसमें मैं कई गुना ज़्यादा, तीसरी बार क्योंकि अभी कोविड भी साल रहा, दो साल तीन साल कोविड के समय रहे, जो माननीय मोदी जी ने जो आपने जो विश्वास नहीं किया, जो नहीं उम्मीद करी मोदी जी ने, योगी जी ने जो किया, हमने भी फर्रुखाबाद में जो करके दिखाया, अब जो आगे आने वाला समय है इस पर काम विकास कराना ही और यहाँ की जन समस्याओं को ही समाधान कराना मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। इस फर्रुखाबाद जनपद में इतना विकास कराऊंगा जो आस पास जनपद भी इससे पीछे होंगे। जय श्री राम।